नहीं जीना मुझे, मतलब मौत देते ज्यादा अच्छा, कोई अच्छी चीज मुझे बता दे। आप लोग पूरी दुनिया से बोल रही है, मुझे कोई ऐसी चीज बता दे, मैं खत्म हो जाऊँ बस, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मैं थक गई हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन अ रोड। मुझे पता ना, हर रात जंगली कुत्ते मेरे पास आते हैं, अपनी इज्जत को बचाते बचाते सारा पूरा एक साल गुजर गया। आज भी लोग मेरे इंतजार में कि शाहिद साहब कैसे ना कैसे आप ही बने, हम 500 थे उसके साथ, नौ जुमिल्ला दो नंबर काम करें। मैं हलाल का पैसा कमाना चाहती हूँ, हराम का नहीं कमाना चाहती। इस वजह से तो कह रही हूँ कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। हमारा मुआशरा ऐसा बेहस है कि आप इनकी जब बात सुनेंगे कि किस तरह लोग इनको चंद पैसों की ऑफ़र के लिए राह जाती लड़की समझ के ऑफ़र्स भी करते हैं, वो क्या मामला है, कहाँ पे ये मामला हुआ है, किन लोगों ने आपको कहा था 500,000 ले लो और आ जाओ? लिबर्टी में बहुत से लोग हैं, लिबर्टी में बहुत से लोग हैं, किसी से उम्मीद रखी नहीं, अल्लाह माफ कर, हर किसी ने लालों पे रखा, उम्मीद पे रखा, पैसे ले लो, हाँ तुम्हारा आईटी कार्ड बन जाएगा, तुम्हें रहने का बंदोबस्त भी कर देंगे। पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन। इनकी ज़िंदगी की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आँखों से आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, आँखें आपकी नम हो जाएंगी। शाहीन फ़जल, जिनके वालिद साहब पाकिस्तान का मारूफ बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, UBL बैंक, उसके सदर रहे हैं, अच्छा खासा कमाते थे, घर बार हर चीज़ थी इनके पास। उम्र इनकी तकरीबन 26 साल है, ताल्लुक इनका इस्लामाबाद से है। इस वक्त ये मुझे मिली है लिबर्टी मार्केट में और ये फूल बेच रही हैं, गजरे जिसको हम कहते हैं। जब इनसे बात की तो बजाय इसके कि इन्होंने सवाल का जवाब आपको उर्दू में देती हैं, आपको जो सवालों का जवाब हैं वो इंग्लिश में दे रही हैं। जब इन्होंने पूछ बताया कि मैं, आप मुझे अनपढ़ ना समझे, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, वो अलग बात है कि मैं हालात की मारी हुई हूँ, मुझ पर जो जुल्म हुए हैं वो मैं अगर किसी को बताऊँ तो आपकी रूह कांप जाए, आपकी आंखों से आंसू निकलने हो जाएं कि हमारे माशरे में कैसे कैसे जुल्म होते हैं, हमारा माशरा कितना ज़ालिम है। हमारा माशरा ज़ालिम तो है ही है, हमारे सगे बहन भाई कितने ज़ालिम हैं कि जो अपनी बहन को, सौतेली बहन को, चार भाइयों की सौतेली बहन को घर से धक्के मार के निकालते हैं। और निकालते भी किस तरह है कि उम्र इनकी 17-18 साल उम्र इनकी उम्र थी जब इनके वालिद साहब वफात पा गए, और उसके बाद इन पर जो जुल्म हुआ उन भाइयों की जानिब से कि किस तरह इसको मार दिया जाए, क्योंकि वालिद की प्रॉपर्टी थी, अच्छा खासा भाई के पास, वालिद के पास प्रॉपर्टी थी, पैसा था, उन भाइयों की कोशिश थी कि हम चारों भाइयों में प्रॉपर्टी सेल आउट हो, डिवाइड हो जाए, इस बहन को इससे निकाल दिया जाए। इसको घर में मारते थे, पीटते थे, इसी दौरान इसने जुल्म भी बर्दाश्त करती रही, साथ पढ़ाई भी करती रही, करते करते ग्रेजुएशन भी कर ली। और अगर आप इनकी हालत देखें तो सर इनके बाल कटे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं इनके, और इनकी जो हाथ हैं इतने इतने, आप ये कह सकते हैं कोहनियों से ऊपर ऊपर तक इनके हाथ ज़ख्मी हैं, कट लगे हुए हैं। ये सारा मामला है क्या, ये कहानी है क्या, ये मुआजरा है क्या, इनकी ज़बानी जानते हैं। और पिछले 5 दिन से लिबर्टी मार्केट में ये आप फूल बेच रही हैं और एक साल से ये लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन, आपकी उम्र इस वक्त 26 साल है जी, मामला क्या हुआ? वालिद साहब आपके एक अजीम बड़ा एक बैंक है, उसके सदर रहे हैं, तो भाइयों ने इतना जुल्म किया क्यों, वजह क्या थी? अबू के होते हुए, अबू अम्मी के होते हुए बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ये नहीं कि मेरे साथ बुरा सलूक करते, खासतौर पर अबू के होते हुए। अबू जब फौत हुए तो अल्लाह माफ़ कर, कभी चोरी के, कभी कोई गैर बंदा आ जाए तो अल्लाह माफ़ कर मुझे कहते थे ये तेरा यार है, तेरा वो है, बहुत कुछ किया उन्होंने। फिर मेरे ये भाई आप पर तोहमत लगाते थे जब कोई आपको मिलने आता था या कोई कहीं जाना होना था? एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखते थे हकारा भाई ने कि ड्राइंग रूम में मैं कारपेट पर सोती थी अकेली, मुझसे आके मेरे अम्मी, मेरी अम्मी ने, आप ये सोचो मेरी अम्मी ने आज तक मुझे यहाँ पर पप्पी नहीं की है। जिस घर में आपको मेरे भाई भाइयों की बेटियों को प्यार करी, भाभियों को प्यार, मैं रोटी खाऊं या ना खाऊं किसी को फिक्र नहीं होती, काम करके अपना आके जो बैठती थी 2 मिनट, टीवी लगाया तो क्यों लगाया भाई टीवी,
फॉरन रिमोट लेके दूसरा चैनल लगा ली, ऐसे रखते थे जैसे एक अजनबी बंदा रहता है। जिस घर में आप रहती थी आपको कारपेट पर सुलाया जाता था, वो घर कितना बड़ा था, उसकी मालियत क्या थी? वो 10 मरले का, 10 मरले का मकान था। मतलब उसकी अब जो प्राइस है, वहाँ पर न्यू एयरपोर्ट बन रहा था कहते वो तो कम्प्लीट हो गया, तो उसकी 40 से 45 लाख तक उसकी प्राइस जा चुकी है, 40 से 45। और इस वक्त शाहीन की अगर आप हालत देखें तो पाँव में टूटी हुई चप्पल पहनी हुई है, हालत हज़ार आपके इनके सामने है कि पहनने को सिर्फ एक ही लिबास है। अब आगे मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दी भी आ रही है, और ना इनके पास कोई शॉल है, ना इनके पास कोई जैकेट है जिसको ये वेयर कर सकें। दैट्स आई वांट टू से, दैट्स आई एम कटिंग यू योर वॉइस, कि मतलब ये सारा कुछ मेरा नहीं है। ये किसे लिए हैं? इधर इस साइड, इस साइड, इधर। ये जूती मुझे इन गजरों जो बेचते हैं, बेच रही थी तो एक आंटी ने मुझे कहा कि बेटा मैं तुम्हें जूती देती हूँ, अपनी उतार के मुझे देती। ये यहाँ पर पुलिस वाली आई थी कज़ाफी स्टेडियम की वजह से, उन्होंने नेकी की, ये उन्होंने मुझे कपड़े दिए, ये दुपट्टा भी उसी, ये जो है ये सिक्योरिटी वाले अंकल हैं, ये उन्होंने मुझे दिया है। ये शाहीन कितना अर्सा हो गया घर से निकले हुए आप? साल हो गया, उम्मीदों लालों पर जी रही हूँ मैं। लाहौर आए कितना अर्सा हुआ? साल। इससे पहले आप घर में ही थी, इस्लामाबाद वाले घर में थी, जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। मेरी बर्थडे थी, जिस दिन मेरी बर्थडे थी उसके 2 दिन बाद जाके निकाला, 7 दिसंबर को मेरी बर्थडे थी। मैं सुबह के 6 बजे निकली थी, स्काईवेज के मारते क्या थे आप जिस तरह बता रही थी ऑफ द कैमरा, हाथों में कट लगे हुए हैं, खून निकाल देते थे, बाल काट देते थे, इतना जुल्म एक सगे भाई कैसे कर सकते थे? नहीं, मुझे बाल मैंने जब काटे तो मुझे कहते तुम्हारी पोनी नहीं बनती, पतले से तो तुम्हारे बाल हैं, ब्लेड के जरिए मुझे गंजा किया गया था। बाल नजरीन अगर आप देखें तो थोड़ा सा अगर आप दिखा सकें, ये अब छोटे से बाल हैं जो कि भाइयों ने जुल्म किया, भाइयों ने बाल काटे और कहा कि आपकी हालत हम इस तरह कर देंगे कि आप मार देंगे ताकि प्रॉपर्टी से इनका नामो निशान ही ख़त्म हो जाए। हाथों में कट्स वगैरह थोड़ा दिखाइएगा जी, इनके कट्स आप देखें कि ये इनके हाथों में कट लगे हुए हैं, ये किसी ने नहीं मारे, किसी ने राह जाते नहीं मारे या किसी अजनबी ने नहीं मारे, इनके सगे भाइयों ने मारे हैं इन पे। ये पुराना है, ये स्टिचेस लगे थे, इनमें भी स्टिचेस लगे थे। तो जब ये कट्स वगैरह मारते थे तो कोई मेडिसिन वगैरह खुद भी ला के देते थे कि वैसे ही फेंक देते थे? मेडिसिन वगैरह नहीं मुझे देते थे जनर। अब अल्लाह गवाह है कि मैं 7 से, मैंने बताया ना मैं चावल भी खाती थी तो मैं खुद कहती हूँ, वो चावल गिर जाते थे। मुझे वॉशरूम आता था ना, मैं वॉशरूम में जाके रोती थी, छोटा भी आता था तो मेरे भाई मेरी मदद नहीं करते थे, मेरी भाभियाँ मेरी मदद नहीं करती थी, कोई नहीं करता था। बाप इनका एक बड़ा आदमी था, अच्छा खासा पैसा था, और आप ये कह सकते हैं कि इसने शाहीन ने 16-17 साल की उम्र तक ज़िंदगी की हर आसाइश देखी, महंगी से महंगी गाड़ी देखी, महंगे से महंगा घर रहा जहाँ पर ये रहती थी। कौन कौन सी गाड़ी में बैठ के सफ़र किया वो थोड़ा बता दें ताकि लोगों को पता चले कि वाकई शाहीन ने क्या क्या जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे पहले गाड़ी थी वो मैं क्रोला में बैठी थी, लास्ट जो गाड़ी थी वो थी प्राडो। मैं 2 गाड़ियों और जो मेरे भाई बड़े भाई के पास थी, जिसकी वजह से मैं अपने अब्बू की वजह से भी बैठी थी, BMW में भी और मर्सिडीज़ में, उनकी शादी के मौके पर जो हमारे पास थी, और लास्ट जो गाड़ी थी वो प्राडो थी, याद है मुझे। द ओनली वन आई लेफ्ट, बस एक रह गई है, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो अल्लाह उस पर भी बिठाएगा, ओडी पे बस। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ हैं सारी। ज़िंदगी की हर आसाइश देखी है, लोग देखने वाले लोगों के एक सब मैरियट PC, इस्लामाबाद का PC ले लो, यहाँ का PC ले लो, अवारी ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया के हर रेस्टोरेंट में गई हूँ, हर होटल में गई हूँ अपनी फैमिली के साथ। कहीं बैरून मुल्क सफ़र किया अपने वालिद साहब के साथ? नहीं, जाना हो गया था बस ऐसे ही दुबई। मैं कराची से इस्लामाबाद जब हम आते थे, जब कराची में हम लोगों ने घर बेचना था तो हम लोग शाइन एयरलाइंस के ज़रिए आना जाना होता था हमारा, ट्रेन में कभी नहीं बैठी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हालात आपके जाने के बाद तो सब कुछ ही बदल गया, जो शाहीन जिसके खाने कुछ और होते थे, जिसकी रिहाइश ही कुछ और होती थी, एक लग्जरी यार बहुत अय्याशी देखी। अब आज अल्लाह पाक की कसम मैंने अब्बू को बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं अपने अब्बू को। मैं अपने अब्बू की बात चली जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है ऐसी ज़िंदगी से, तो वाली ज़िंदगी बेहतर, अपना अब्बा तो मेरे नाल होगा ना, ये रोड की ज़िंदगी से तो बहुत बेस्ट है कि मैं ऊपर चली जाती हूँ अल्लाह के पास। जो मैं आई गॉट फेड अप, मेरा मालिक अब मैं कसम नहीं तो मुझे जनाजा ना नसीब ना हो, मैं टोटली फेड अप हो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ से। मेरे से वो हंसना खेलना नहीं किया जाता, लड़कियाँ करती, मेरे में वो चीज़ नहीं रही है। शाहीन की आंखें नम हैं और यकीनन
जो दर्द दिल रखते हैं कि जिनमें ज़रा सा भी एहसास है इंसानियत का, वो ये कहानी सुनकर उनके भी हाथ कांप रहे होंगे कि ये जुल्म किसी गैर का नहीं है, किसी अजनबी का नहीं है, किसी राह जाते का नहीं है, ये जुल्म अपने सगे चार भाइयों का है कि जो इस वक्त इस्लामाबाद में महंगे से महंगे घर में रह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी बहन जिसकी उम्र 26 साल है, नाम इसका शहीन है, वह लाहौर लिबर्टी मार्केट में पैसे पैसे के लिए तरस रही है। और ये कितने का बिक जाता है? ये जितने भी दे दे कोई भी, 600 रुपये देने पड़ते हैं उनको, बस 100 रुपये का। तो रात सोती कहाँ पे है? यहाँ पे तो अब सर्दी भी आ रही है। सोती हो तो जना अल्लाह सुलवा दे तो सुलवा दे, वरना घास पे क्या जमीन पे सो जाती हूँ। मैंने अपने अब्बू के तो जो यशी देखी, यार मुझे अपना, मेरा बाप मुझे अपने पास बुला ले, मैं मीडिया वाले भी ना होते अकेले में भी अपने अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है, मुझे नहीं जीना, मुझे अल्लाह मौत दे दे ज़्यादा अच्छा, कोई अच्छी चीज़ मुझे बता दें। आप लोग पूरी दुनिया से बोल रही है, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें, मैं ख़त्म हो जाऊँ, बस मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, मैं थक गई हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन अ रोड, मुझे पता ना हर रात जंगली कुत्ते मेरे पास आते हैं, अपनी इज्जत को बचाते बचाते सारे पूरा एक साल गुजर गया। आज भी लोग मेरे इंतजार में कि शाहिद साहब कैसे ना कैसे आप ही बने, हमें सो 500 थे उसके साथ, नौ जुमिल्ला दो नंबर काम करें, मैं हलाल का पैसा कमाना चाहती हूँ, हराम का नहीं कमाना चाहती। इस वजह से तो कह रही हूँ कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। हमारा मुआशरा ऐसा बेहस है कि आप इनकी जब बात सुनेंगे कि किस तरह लोग इनको चंद पैसों की ऑफ़र के लिए राह जाती लड़की समझ के ऑफ़र्स भी करते हैं, वो क्या मामला है, कहाँ पे ये मामला हुआ है, किन लोगों ने आपको कहा था 500,000 ले लो और आ जाओ? लिबर्टी में बहुत से लोग हैं, लिबर्टी में बहुत से लोग हैं, किसी से उम्मीद रखी नहीं, अल्लाह माफ़ कर, हर किसी ने लालों पर रखा, उम्मीद पर रखा, पैसे ले लो, हाँ तुम्हारा आई टी कार्ड बन जाएगा, तुम्हें रहने का बंदोबस्त भी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। औरत होते मैं यही कहूँगी अल्लाह किसी पे बुरा वक्त ना लाए जो मेरे पे आया हुआ है, कभी किसी औरत पे, कभी किसी कुड़ी पे ना लाए ये वक्त। अगर आपके भाई देख रहे हो, अल्लाह करे उनको गैरत आ जाए, उनको शर्म आ जाए, कुछ कहना? उन जैसे गैरतमंद लोगों को आती ही नहीं है, बगैरत जो हो जाते अपनी बीवियों के कहने में, जो चलने वाले शराबे पीने वाले, अगर गैरत आई होती तो साल के अंदर मुझे ढूंढने ना आ जाते, साल के अंदर मुझे यहाँ पे ढूंढ के ना आ जाते कि जैसे शाहिन हमारे नाल चल, जो ना तो हो गया। जब भी मुझे लेके, जब लास्ट टाइम मुझे लेके गए, मुझे कहते ये पागल है, ये मेंटल है, मुझे झूठा करके जॉर्ट टाउन में, मुझे अल्लाह माफ़ करे कहीं से दिखाई देती हूँ मैं पागल हूँ, हालात की मारी हूँ, मुझे जॉर्ट टाउन में हॉकी स्टेडियम के बैक साइड में मैं 3 मंथ्स रही हूँ सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ माई ब्रदर। वहाँ के नुमाइंदों को भी आपको दिखा सकती हूँ, वहाँ के नुमाइंदे मुझे कहते हैं कहीं से यार आप कहीं से नौज़ुबिल्लाह ना नशेड़ दिखती हैं ना पागल दिखती हैं, आप तो मेंटली तौर पर सही हैं। मैंने कहा मेरे घर वाले कहते हैं इस वजह से मुझे रहना पड़ेगा, 3 मंथ्स आई लिव इन ए क्लिनिक, वहाँ पे मेरा इलाज चल रहा था। मैंने अपने घर वालों से कभी कोई दौलत, मुझे कहते थे तेरी दौलत इतनी, मैंने कहा माफ़ रखे, मैंने कहा मुझे आप लोगों की किसी की दौलत नहीं चाहिए, मैंने कहा मैं दौलत के पीछे नहीं भागती, मैंने कहा मेरा जो हिस्सा है ना, मैं समझूँ कि आप लोगों से मेरा जो हिस्सा, मैंने आप लोगों को सच कर दे दिया, मैंने कहा मैं पैसे के पीछे वाली बात, मैं प्यार की भूखी हूँ, मुझे प्यार आराम से कोई काम करवा दो। उन्होंने कभी आपकी जो वालदा हैं, वालदा उनकी कब हुई वफात? अम्मी को फौत हुए अभी 8-9 मंथ्स हो गए, साल होने वाला है। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मेरी बेटी है मैं इसकी शादी करूँ, किसको इसको ब्याह करूँ, इसका भेज दूँ किसी घर, कभी कोशिश नहीं की थी उन्होंने सिर्फ बच्चों की खातिर, यानी कि बच्चों नाराज़ ना हो जाए? अपने बच्चे हैं उन्हीं में मगन थी वो, मैंने मुँह पे बोली हूँ मैंने बिकॉज ऑफ माई फादर मैंने बहुत अय्याशी गुजारी, बहुत अय्याशी बड़ी गुजारी है ज़िंदगी। आज इन गाड़ियों को देख के मैं तमन्ना करती कि अल्लाह वो लाइफ वापस आ जाए, मुझे किसी का मोहताज ना करना मेरे मालिक, मैंने रोड पे ज़िंदगी नहीं मरना चाहती, रोड पे ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती बस। नाज़रीन, शाहीन की गुफ्तगू आपने सुनी, इनकी ज़िंदगी कहानी आपने जानी कि किस तरह मुश्किल हालात का सामना कर रही हैं पिछले 8 साल से, वालिद के दुनिया से जाने के बाद जो इन पर जुल्म हुए, जो बर्बरियत इन पर हुई, हालत आपकी इनके सामने हैं कि जिसका बाप पाकिस्तान का एक मारूफ बैंक, इंटरनेशनल बैंक का प्रेसिडेंट हो, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, उन्होंने अपनी बेटी का लाइफस्टाइल कैसा रखा होगा, आप अगर थोड़ा सोचें तो आज इस बच्ची को, इस बेटी को, इस बहन को एक पैसे की पैसे की ज़रूरत है, रोटी खाने के लिए लोगों के पैसे मांगती हैं, अगर ये ना बिके तो किसी के हाथ फैला देती है कि मुझे मेरा पेट भर दें,
इनके पास मोबाइल नहीं है, अगर इनके पास मोबाइल होता तो इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला देते ताकि आप इनकी मदद कर सकते, एटलीस्ट इनको एक कोई घर फ्राहम कर दें, कोई कमरा फ्राहम कर दें, कोई इज़्ज़तदार, ताकि ये एटलीस्ट अपनी इज़्ज़त तो महफूज रख सकें, सड़कों पर इनको सोना ना पड़े, सर्दी का मौसम है। नंबर इनका स्क्रीन पर तो नहीं चल सकेगा, लेकिन गुजारिश मेरी देखने वालों से ये है कि लिबर्टी मार्केट में आपको ये मिल जाएंगी, आप जिस वक्त मर्जी आएँ आप इनकी मदद कर सकते हैं, आके इनसे मिलें, इनकी मदद करें ताकि इस बहन की ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो सकें, इसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।